कमलप्रीत सभरवाल की रिपोर्ट। प्रदेश सरकार की घोषणाओं के बावजूद पास होल्डर छात्राओं से निजी बसों के परिचालक किराए ले रही हैं। उन्हें ना तो किसी प्रशासनिक अधिकारी का भय है और ना ही नियमों की परवाह। छात्रों ने रायपुर रानी बस स्टैंड पर उतरकर निजी बसों के संचालकों के खिलाफ विरोध व्यक्त किया। राज्य के वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय रायपुर रानी में पढ़ने वाली छात्राओं ने आरोप लगाया है कि निजी बस परिचालक बस पास होने के बावजूद उनके टिकट काटते हैं। जब वो टिकट काटने का विरोध करते हैं तो बस परिचालक उनके साथ दुर्व्यवहार करने लग जाते हैं। तो फिलहाल लगातार खबर आपको दिखा रहे हैं। छात्राओं का आरोप है कि प्रदेश सरकार ने हरियाणा विधानसभा बजट के दौरान घोषणा की थी कि पास होल्डर छात्राओं का जो पास है वो प्राइवेट बसों में भी मान्य होगा, लेकिन सरकार की घोषणा के बावजूद निजी बस संचालक छात्राओं से हरियाणा रोडवेज का बस पास होने के बावजूद किराया वसूल रहे हैं। तो बस वाले हमें वही उतार देते हैं जबकि हमारे पास पास भी है। हम पिछले एक हफ्ते से परेशान हैं। हमने 5-6 बजे घर पहुँचते ही बस ही नहीं रोकते। साथ बहुत नहीं करते हैं हमें बस से बच्चों को ही उतार देते हैं। ये इतना टाइम पे जब मैं आकर रास्ते में व्हाट्सएप पे मेरे को भी रिसीव हुई है, कोई मिस्टर अजय वाली ने मेरे को भेजी है, तो उसके अंदर यही बात बताई गई थी कि जो प्राइवेट बस ऑपरेटर्स हैं वो उसको नहीं रोके। तो मैं अभी RTA साहब, जो ADC साहब हैं, उनसे बात करके इसकी इंक्वायरी करेंगे और इंश्योर करेंगे कि जो भी हमारी स्कीम्स गर्ल्स स्टूडेंट्स के लिए प्रॉपरली कंप्लाई विद। ताज मोहम्मद हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। मोहम्मद साहब, आपसे जानना चाहेंगे किस तरीके का पूरा मामला है। सरकार ने कहा था कि जितने भी बच्चे हैं, छात्राएं हैं, उनका जो पास है वो प्राइवेट बसों में भी चलेगा, लेकिन अब ये देखने को मिल रहा है कि यहाँ भी इनकी टिकट काटी जा रही है। जी बिल्कुल, ये मामला रायपुर रानी में निकल के आया है, जहाँ पर सुबह के समय रायपुर रानी बस स्टैंड के पास बच्चियों ने इकट्ठा होकर सरकार के खिलाफ रोष प्रदर्शन किया है। यहाँ पे नारायणगढ़ से लेकर पंचकुला तक जो भी प्राइवेट बसेस चलती हैं, इनके जो परिचालक हैं वो बच्चियों से पैसे लेते हैं जबकि उन बच्चियों के पास बने हुए हैं, तो जिस जो के मामला बहुत ही गंभीर दिख रहा है। जी चलिए, धन्यवाद आपका। ताज मोहम्मद हमारे संवाददाता रायपुर रानी से बता रही थी क्या कुछ पूरा मामला, लेकिन टिकट्स काटी जा रही है। छात्राओं ने खुद वीडियो बनाया है, उसके बाद इस वीडियो को वायरल किया। अंबाला के छरबरी के बाद सड़क हादसा होने से 7 लोगों की मौके पर ही मौत होने की खबर है। सड़क